दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल ढावा और मैं हूं नवीन चंद मनोज। राजधानी पटना से सटे फतेहपुर में चल रहे पटना स्पोर्ट्स पार्क क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट में मंगलवार को खेले गए मैच में राइजिंग क्रिकेट क्लब ने उत्पल क्रिकेट क्लब को 87 रनों से पराजित किया। राइजिंग क्रिकेट क्लब की इस जीत में अमर राज की 85 रनों की पारी और उनके गेंदबाजों की मुख्य भूमिका रही। इस मैच में टॉस राइजिंग क्रिकेट क्लब ने जीता और पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन बनाए। ऋतिक रोशन ने 26, अमन राज ने 53 गेंदों में 8 चौका और 3 छक्का की मदद से 85, आदित्य प्रकाश ने 19, राहुल कुमार ने 14 रन बनाए। उत्पल क्रिकेट क्लब की ओर से धीरज कुमार ने 31 रन देकर 1, गौतम श्री ने 16 रन देकर 2, उत्पल कांत कुमार ने 32 रन देकर 2 और हर्ष कुमार ने 29 रन देकर 1 विकेट चटकाए। जवाब में उत्पल क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज राइजिंग क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों की बेहतरीन गेंदबाजी के आगे नहीं टिक पाए और पूरी टीम 17.4 ओवर में 79 रनों पर ऑल आउट हो गई। धीरज कुमार ने 4, अरमान कुमार ने 10, हर्ष नंद ने 22, मनीष कुमार ने 20 रन की पारी खेली। राइजिंग क्रिकेट क्लब की ओर से उज्जवल कुमार ने 14 रन देकर 1, सुशांत शेखर ने 6 रन देकर 2, ध्रुव कुमार ने 16 रन देकर 2, राहुल कुमार ने 17 रन देकर 3 विकेट चटकाए। राइजिंग क्रिकेट क्लब के अमन राज प्लेयर ऑफ द मैच और बेस्ट बैटर बने जबकि सुशांत शेखर बेस्ट बॉलर बने। दोस्तों खेल की खबरों के लिए आप खेल ढावा से जुड़े रहें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट खेलढावा.com पर भी खबरों को देख सकते हैं। आप अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे कर लें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खेल की खबरों के लिए आप खेल ढावा से जुड़े रहें। धन्यवाद।